देखो आपके 10th की मार्कशीट आप निकाल लेना, टॉप 3 मार्क्स जो एवरेज निकल के आ रहा है उसका 30% लेना है इनको, कंपोनेंट कितना है उसका 30%, तो वो आपकी मार्कशीट में जुड़ेगा। आ रहा है आपको समझ में? तो सिंपल है, अपनी मार्कशीट ले लो, टॉप 3 जिसमें आपके मार्क्स आए हैं उनकी एवरेज निकाल लो, उसका 30% मार्क्स आपके जुड़ेंगे। इन्होंने सिंपल एक काम किया, आपके जो ऑन एवरेज निकल के आ रहा था 21.5, ये आपका जुड़ गया क्लास 10th का, आपका जुड़ गया 21.5, 21.5, 20, मतलब ये अभी तो 80 की कैलकुलेशन हो रही है। 100 मार्क के आपके 12th में पेपर होते हैं, 20 मार्क आपके स्कूल वाले देंगे, 80 मार्क आपको कैसे मिलेंगे? 10वीं क्लास की 3 टॉप एवरेज वो निकाल के जुड़ गई। आप 11th क्लास पर आ जाओ, 11th क्लास के आपके मार्क्स कैसे आए थे, इसका 30% कैलकुलेट करो आप डायरेक्टली, कर लिए कैलकुलेट। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये सेम ही सब्जेक्ट आपके 12th में भी होंगे, तो जो आपने 30% कैलकुलेट किया है यही आपके एक कॉलम में जुड़ेंगे, बस इसी का 30% आपको कैलकुलेट करके कॉलम में जोड़ना था, तो आपने जोड़ लिया। देखो ये सारे 11th के हर सब्जेक्ट का 30% जो है वो यहाँ जोड़ दिया। अब 40% वेटेज आपका 12th क्लास का, अभी तक 12th आप 12th क्लास में बोर्ड मेन एग्जाम को छोड़ के आपके बाकी एग्जाम तो हुए हैं स्कूल में, उसका 40% लेना है। तो ऑन एन एवरेज निकालना है जो आपके यूनिट टेस्ट हुए हैं, टर्म एग्जाम हुए हैं, प्री बोर्ड हुए हैं, ठीक है, उनका एवरेज निकालना है बेसिकली, उसका 40% आपका कॉम्पोनेंट ऐड होगा, ठीक है, ये आपका वो तरीका हो गया। तो जैसे मान लो आप 12th क्लास में आपके लैंग्वेज वन में यूनिट सेल और सबके एवरेज निकाल के 55 मार्क्स बन रहे हैं, इसके अंदर 77 बन रहे हैं, फिजिक्स में 63 बन रहे हैं, केमिस्ट्री में 80 बन रहे हैं, बायोलॉजी में 76 बन रहे हैं, तो 55 का 40% कितना होता है, 77 का 40% कितना होता है, सबका 40% ये निकाल लिया, ये जुड़ेगा आपको। अब सबको जोड़ो, इनको जोड़ो कितना आ रहा है 59, इसको जोड़ो कितना आ रहा है 75, जोड़ते जाओ 63, 73, 75, ये कितने में से 80 में से, ये आपको कहां से मिले हैं? ये आपको स्कूल से मिलेंगे, आपको प्रैक्टिकल से या स्कूल में, स्कूल के भी हाथ में 20 नंबर होते हैं ना, तो आप सबको जोड़ दो 59 प्लस 19 78, इस तरह से सबको जोड़ दिया, तो ये आपके फाइनल मार्क्स हैं ये।